सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो इतने दिनों के बाद फिर से मैं ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। सो इतने दिन में क्या कर रहा था, सो हमारा मेरा एग्जाम्स आ रहे हैं बोर्ड के, मतलब 12th के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। उस वजह से मैं पढ़ाई का मतलब पढ़ाई की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत बिजी था और बहुत ज़्यादा थोड़ा हमारा शेड्यूल नहीं बन रहा था। सो इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया, थोड़े बहुत शॉर्ट्स थे वही जाना था। और आपको मैं मतलब हमारा जो गाड़ी का डिलीवरी वो भी हो चुका है, वो भी नहीं दिखा पाया, शॉर्ट्स नहीं बना पाया, कुछ भी नहीं बना पाया। सो कल कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, शॉर्ट डाला था, जिसमें मैं गाड़ी का डिलीवरी मतलब गाड़ी बुकिंग करने जाता हूँ वो छोड़ा था। फिर डिलीवरी का मैं कुछ बना ही नहीं पाया क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी था। सो आज मैं आपको गाड़ी भी दिखा दूँगा और हमारे फिश के सेटअप में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, और फिश के सेटअप में बहुत सारे गुड न्यूज़ भी है, और हमारे बर्ड के सेटअप में भी बहुत सारे गुड न्यूज़ है। सो वो भी सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा और बहुत सारे अपडेट्स भी देने हैं आप सभी को। सो चलते हैं और शुरू करते हैं आज के व्लॉग। सो चैनल में जो भी नहीं हो जल्दी जाकर पहले सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो सबसे पहले चल के मैं आपको लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ, कौन सी गाड़ी है। हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क रहती है और आज मैं बाहर गया था, सो बाहर है गाड़ी, तो बाहर दिखाता हूँ। ये रही गाड़ी, ये डीओ 125 सीसी की है, होंडा कंपनी की है। इसका कलर रेड मेटेलिक है, मेटेलिक कलर के ऊपर है, और देख सकते हो धूप में कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है और कलर इसका कितना ज़्यादा मस्त दिख रहा है। आप लोग कमेंट्स करते हो कि मोटो व्लॉग चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर मोटो व्लॉग हमारा शुरू करेंगे। सो आप लोग जाके सारी जल्दी से कमेंट्स करो कि हम मोटो व्लॉग लाना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा डिजिटल ही है और अच्छा सारा फीचर्स है, और यहाँ पर स्पेस भी बहुत सारा ज़्यादा है और हम सामान भी रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये जो फ्यूल टैंक है वो भी ऑटोमेटिक है, मतलब वहाँ पे बटन रहता है तो वो खुल जाता है, वो आजकल हर गाड़ी में आ रहा है। सो सबसे पहले हमारे मॉन्स्टर टैंक से शुरू करते हैं, जिसका लाइट लगाता हूँ। सो ये रहे हमारे सारे मॉन्स्टर फिशेज, और वो शॉट में दिखाया था कि इनको मैं श्रिम फिट कर रहा था। जिसने भी वो शॉट नहीं देखा है, मैं यहाँ पर फोटो लगा रहा हूँ, वो शॉट जाके जल्दी से देख लो। और हमारे सारे ऑस्कर फिश का कलर देख सकते हो और ग्रोथ भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ग्रोथ है। और हमारा जो सिब्रम है वो जब मैं लाया था इतना छोटा था, और अभी देखो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और ये हमारी फीमेल है शायद, हाँ ये फीमेल है, और इसका मेल तो मर गया था, इसके लिए मेल भी लेके आना है। सो कुछ दिनों के बाद इसका मेल भी लेके आ जाएंगे। फिलहाल तो सारे हमारे ऑस्कर फिश एक्टिव हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं इनको फीडिंग दिया था इनका, और देखो देखो ये पूरे हमारे हैंड टेम हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपको भी अपने ऑस्कर फिश को टेम करना है तो उनको श्रिम्स देके टेम करो, क्योंकि उनको श्रिम्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, ड्राइड श्रिम्स। सो इस वजह से ये लोग पूरे अच्छे से हैंड टेम हो चुके हैं। जैसे ही मैं हाथ लेता हूँ तो सारे फिश हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। सो अभी चलते दूसरे सेटअप में। तो ये रहा हमारा फिश का सेटअप, और सबसे पहले मैं हमारे सबसे पहले मैं हमारे जितने भी सारे पोलर पैरेट है इनसे अपडेट शुरू करता हूँ। सो यहाँ पे जो हमारे पैर हैं उन्होंने फिर से ब्रीडिंग किए, और इस बार मैंने क्या किया, अंडों को अलग से नहीं निकाला है, उनके साथ ही छोड़ा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये लोग खाते या फिर अपने बेबीज़ को अच्छे से केयर करते। क्योंकि अगली बार हमने जब हमारा जो सेकेंड बैच था, जो कि मैंने पॉट निकाल दिया था, उसमें ढेर सारे फ्राइज मर गए, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो सारे फ्राइज को फंगस लग रहा है, एक एक करके सारे फ्राइज मर रहे हैं। और आपको जो हमने थर्मोकोल के बॉक्स में हमने जब हीटर ऐड किया था और हमारे फ्राइज उसके अंदर थे, तो हमारे सारे फ्राइज का डेथ हो गया था, जो पता नहीं। और हमारे जो इसमें सेकेंड बैच लगे थे और इसमें भी हमने हीटर ऐड किया था, जब हमारे बेबीज निकले नहीं थे एग से, और हमारा थर्मो मतलब हीटर ब्लास्ट कर गया था इसके अंदर, और पूरे पानी में करंट फैल गया था। सो जब से मैंने हीटर नहीं लगाया, सो हमारे सारे फ्राइज तो एक 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 करके मर गए, और बस 3-4 फ्राइज, मतलब टोटल 5 है मैंने देखे। वहाँ पर एक देखो कोने में, वहाँ पे एक फ्राई है, और ऐसे करके शायद 5-6 फ्राइज यहाँ पे है। और इस यही बेबीज अभी तक बड़े नहीं हुए, और इसने फिर से ब्रीड कर दिए, और इस बार मैंने इनके साथ ही छोड़ा है, क्योंकि ये लोग अच्छे से केयर लेंगे। क्योंकि एक एक बच्चे को जब फंगस लग जाता है, और वो दूसरे बच्चों को भी फंगस लग रहा है, मैं देखा हूँ, बहुत बार नोटिस किया हूँ। सो इस बार मैंने इनके साथ ही छोड़ा है, और ये लोग अच्छे से केयर कर रहे हैं अपने बेबीज़ को, और मैं दिखाता भी हूँ। हमारे सारे बेबीज़ निकल चुके हैं, ये रही हमारी फीमेल और ये रहा हमारा मेल, और इसके अंदर है हमारे सारे फ्राइज। तो ये रहे हमारे फ्राइज, यहाँ पे देखो थोड़े बहुत हिल रहे हैं, और इस यहाँ पे भी एक है, क्योंकि ये सैंड का कलर और उनका कलर पूरा मैच कर जा रहा है, और फ्राइज शायद तक यहाँ पे भी आ रहे हैं।
इसकी वजह से यहाँ पे एंजल्स खा जाएंगे उनके फ्राइज़ को। सो हमें क्या करना है, हमारे जो एंजल्स हैं इनको पकड़ते हैं और पकड़ के हमारे साइड वाले टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। सो अभी हमारे एंजल्स को पकड़ लेते हैं। और हमारे एंजल्स का साइज़ भी बड़ा हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और इन विंटर्स में हमने किसी भी टैंक में हीटर नहीं ऐड किया है और हमारे को किसी भी फिश का डेथ नहीं हुआ है। सो मैं आप लोगों को बोलूँगा अभी विंटर का केयर क्या क्या होता है और कैसे क्या कर केयर करना चाहिए हमारे फिश का विंटर्स के टाइम में सिर्फ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिश को पकड़ रहा हूँ, किसी भी फिश को मैं पकड़ रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने नहीं किसी फिश के अंदर कुछ चेंजेस किए, ना ही मैं किसी का पानी क्लीन किया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ, जैसा है वैसा सेटअप छोड़ दिया हूँ। क्योंकि अभी इतना दिनों से मुझे टाइम भी नहीं हो रहा था, ना ही मैं ब्लॉग बना पा रहा हूँ, ना ही कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ, हमारे बाहर के सेटअप में जितने भी सारे गप्पी फिशेज हैं, ना ही मैं उनका अपडेट दे पा रहा हूँ, ना ही उनको मतलब इनका वाटर फिल कर पा रहा हूँ। सारा वर्क हमारा पेंडिंग में। सो अभी इसका हम फिल्टर बंद कर देंगे क्योंकि हमारे फ्राइज जाके इस फिल्टर के अंदर घुस भी सकते हैं। सो इनको मतलब ऐसा कुछ फिल्टर का सिस्टम चाहिए भी नहीं होता है। सो ये हमारे सेपरेटर को निकाल देते हैं क्योंकि अभी तो कोई काम नहीं आने वाला ये। नहीं, ऐसा तो छोटा गिर, ऐसे ही रख देते हैं बस। ये देखो इनको बड़ा स्पेस मिल गया और हमारे फ्राइज भी आराम से यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। और उसके अंदर कल मैंने हमारे एंजल फिश को भी श्रिम फिट किया था, उसने सूंघ के पकड़ लिया उसको, वहाँ पे शायद गिर गया था एक और हमने हमारे एंजल्स नहीं खा पाए। ये देखो हमारे एंजल्स का मैं दिखाता हूँ। और ये देखो हमारे पोलर पैरट्स थोड़े बहुत एक्टिव हो गए क्योंकि इनको बड़ा स्पेस मिल गया और ये आराम से घूम भी सकते हैं। हमारे फ्राइज भी जब बड़े होंगे हमें अच्छे से दिखेंगे भी। सो ये देखो कितना ज़्यादा हैप्पी हो चुके क्योंकि एक डिवाइडर में इनको बहुत ज़्यादा छोटा गिर रहा था जगह। और अभी देखते हैं हमारे एंजल्स को। सो ये देखो इसके अंदर मॉलीज हैं और हमारा जंबो मॉली है और इसके अंदर मून टेल मॉलीज है जिसके मतलब फ्राइज है और ये थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं। और ये देखो हमारे एंजल्स का साइज। और आपको पता ही होगा कि हमने इसके अंदर बैकग्राउंड लगाया था, 3D बैकग्राउंड, वो निकल गया फिर से क्योंकि मैंने थोड़ा ही ग्लू लगाया था जिस कारण वो निकल गया। सो हम जब इनका वाटर चेंज करेंगे तब हम फिर से हमारा जो बैकग्राउंड है उसको अच्छे से ग्लू लगा के चिपका देंगे। सो ये रहे हमारे एंजल्स। अभी तो ये थोड़े बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि अभी इनको वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। और इनका जो टेम्परेचर है वो सेम है क्योंकि रूम टेम्परेचर में और रूम में ही है। सो इस वजह से मैंने इनको डायरेक्ट इसमें शिफ्ट किया। आप लोग ना करो, अगर आपका टैंक एक जगह में और एक टैंक दूसरे जगह में तो आप लोग एक्लिमेट कर लो, क्योंकि मेरा एक ही तीनों टैंक एक ही रूम में और टेम्परेचर भी सेम ही रहता है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया है। और ये देखो मतलब इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है और मुझे तो लगता है वो वाला मेल और ये फीमेल है, पता नहीं। आप लोग को अगर पता हो कौन सा मेल फीमेल है या फिर दोनों फीमेल है या फिर दोनों मेल है, सो आप लोग जाके कमेंट्स कर देना कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है, जिससे कि हमें ये मतलब पता चल जाए कि ये लोग मेल फीमेल है और ये कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। और मुझे तो जहाँ तक लगता है ये वाली फीमेल है, इस साइड में फीमेल है और वो मेल है, देखते क्या होता है। और आपको एक मज़ेदार अपडेट देता हूँ, मतलब आप लोग सोचे भी नहीं होंगे हमारे पोलर पैरट्स इतने ज़्यादा बड़े होंगे और अभी बड़े होने के बाद ऐसे कुछ दिख रहे हैं। मेरा हमारा पोलर पैरट का टैंक जिसको हमने इसको अच्छे से मतलब माउंटेन शेप में मतलब केव टाइप में बनाया था हाथ से चिपका के, और इसके अंदर हमारे पोलर पैरट की फ्राइज है। ये देखो मेरे को रेयर लग रहा है क्योंकि उसके बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रिप्स नहीं है, पता नहीं वो वाइट निकले, बोल नहीं सकते क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं इनके वो तो ब्लू ब्लू है, उसके बॉडी में कोई ना एक तरह का भी स्ट्रिप नहीं है और बाकी सारे में स्ट्रिप्स है, उसके बॉडी में एक भी स्ट्रिप्स नहीं है। पता नहीं अगर रेयर निकल सकता है शायद तक, अगर उसका पहले से ही ब्रीडिंग हुआ हो दूसरे वाइट के साथ फीमेल का, क्योंकि वो बहुत टाइम से ही मतलब फुली हुई है, तो कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ पे तो बस हमारा जो ये वाला बैच है और ये वाला बैच है
इसके अंदर जो दो बैच है ये अच्छे से निकल जाए फ्राइज़ हमारे, क्योंकि ये थोड़े बहुत ही है, 25 होंगे, 25 से 30 फ्राइज़ होंगे, और इस पर भी बहुत सारे फ्राइज़ है, ये फ्राइज़ अच्छे से निकल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे पास बहुत सारे फ्राइज़ होंगे। सो देखेंगे हम सारे फ्राइज़ को एक ही टैंक में शिफ्ट कर देंगे या तो फिर हमारे पेरेंट्स को सेपरेट कर देंगे, देखते क्या करना है। आप लोग सारे जाके कमेंट्स कर देना कि क्या करना चाहिए। सो अभी चलते हैं हमारे बाहर वाले सेटअप में, जहाँ पे हमारा बर्ड का सेटअप है और मिनी पॉन्ड्स है, जहाँ पे हमारे सारे गप्पी फिशेस है एग्जॉटिक में। सो चलते हैं वहाँ पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा बर्ड का सेटअप, मैंने इनको धूप में रखा था क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छा आ रहा है। और गुड न्यूज़ क्या है कि हमारी जो फीमेल है वो मतलब पॉट में जाके बैठ रही है, बहुत टाइम अपना पॉट के अंदर ही बिता रही है, शायद कि लोग एक मतलब हमारी फीमेल एक ले कर सके। सो देखते क्या करना होता है, और आप लोग भी कमेंट्स कर देना कि इस केज के अंदर क्या कमी है और हमें क्या ऐड करना चाहिए हमारे बजीज के सेटअप में। सो आप लोग सारे कमेंट्स कर देना, आप लोग कमेंट्स नहीं करते जाओ और जल्दी से अपना सजेशन दो कि इस किस केज के अंदर हमें क्या और ऐड करना चाहिए। और ये रहा हमारा पूरा गप्पी फिशेस का सेटअप, और मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छा आता है और बहुत टाइम तक यहाँ पे धूप रहता है। सो एक एक करके सारा अपडेट देता हूँ। सो ये इसमें है हमारा डम्बोयर का मेल, मतलब पानी का कंडीशन देख सकते हो पूरा नेचुरल हो चुका है, ना ही मतलब कोई गंदगी है, पूरा मतलब नेचुरल हो चुका है, जिस वजह से हमारा जो डम्बोयर का मेल है वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और अच्छा ग्रूम हो चुका है, क्योंकि फीमेल सेपरेट में कहाँ गया, कहीं जाके छुप गया होगा। वो देखो इसका ईयर देख सकते हो पूरा ब्लू और ब्लैक में है, बहुत ही ज़्यादा ग्रूम हुआ है और बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है इसको। और इसकी फीमेल पूरी लोडेड है, वो दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा मिनी पॉन्ड, और इसके अंदर देख सकते हो ढेर सारे प्लांट्स ग्रो हुए हैं और अच्छे खासे हैं, और सबका कलर बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है और डार्क है और अच्छा क्वालिटी भी है। और इसके अंदर देख सकते हो हमारे स्नेल्स भी है, और फीमेल कहाँ गई मेल नहीं थी, कहाँ अंदर घुस के बैठी होगी। और इसके अंदर हमारी येलो की फीमेल है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था इस वजह से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था, और ये अभी पूरी ठीक हो चुके हैं। और इसके अंदर है हमारे सारे येलो गप्पीज और स्नेक गप्पी, और हमारे स्नेक गप्पी भी बड़े हो चुके हैं और इनका कलर भी आ चुका है। और इसमें भी गुड न्यूज़ है, हमारे जो येलो गप्पी की फीमेल थी उसने बेबीज दिए, और ये देखो बहुत सारे बेबीज़ हैं, 6-7 बेबीज़ हैं, शायद 10 होंगे, और कोई भी किसी को खा नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर सफिशेंट इनको फूड मिलता है और वाटर कंडीशन भी अच्छा है, पूरा नेचुरल हो चुका है वाटर, जिससे कि हमें बार बार वाटर चेंज करना भी नहीं पड़ता। और मैं यही चाहता था कि ये नेचुरल हो जाए, सो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। हमें एक ही काम करना है, इसके अंदर पानी भरना है, देख सकते हो पानी का लेवल कितना ज़्यादा नीचे हो चुका है। बोल रहा था ना मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा, और ना ही इन सब में पानी भरने का क्या ही बोलूँ, मतलब यहाँ से तो धूप चले जा चुका है। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो केज है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, यहीं पे रहता है हमारा केज। और रात को हम क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं, यहाँ पे बल्ब वाला लगा हुआ है और केज उसके ठीक नीचे रहता है, और पूरा केज हम ढक देते हैं, सिर्फ लाइट जाने का पूरा मतलब एरिया खुला रखते हैं और बाकी पूरा ढक जाता है। यहाँ देखो कितने ज़्यादा एक्टिव है, तो ये आ चुके हैं अपनी जगह में, और ये रहे हमारे बर्ड्स। और उसके नीचे कैल्शियम ब्लॉक है, ये लोग मतलब इनके केज मतलब इनके जो पॉट है इनके पास ही रखा हूँ, क्योंकि फीमेल खाती रहती है और हमारा मेल भी खाते रहता है, क्योंकि इनको ब्रीड कभी भी कर सकते हैं, और इसलिए इनका कैल्शियम ब्लॉक उनके पास ही रखा हूँ। और इनका मैं थोड़ी देर पहले पानी लेके गया था भरने के लिए, वो लेके आता हूँ और पानी रख देते,
और हमारा जो बजीज है इनका क्वालिटी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि इनको थोड़ी देर पहले जब हम लाए थे शॉप, मतलब वो बाली जाता से मेले से लेके आए थे, इन दोनों का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, और अभी देख सकते हो दोनों का तबीयत एकदम ठीक है। और मैंने एक इनके लिए दवाई घर में ही बनाया था, वही दवाई से ये दोनों ठीक हुए हैं, वो बोलूँगा मैंने क्या यूज़ किया था। और वो देख सकते हो वो क्या है, मैं बोलूँ वो कोकोनट का पूरा सेल है, क्योंकि ये लोग जाके रात को वहाँ पे बैठते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी गिरता है तो उसके अंदर जाके ये लोग बैठ जाते हैं, इनको थोड़ा बहुत गर्मी लगता है, सो इस वजह से मैंने इसको इसके यहीं पे ऐड करके रखा है, और इसको जाके वो लोग चबाते रहते हैं, कुछ भी करके खेलते रहते हैं, सो इस वजह से मैंने उसको रखा है, क्योंकि वहाँ जाके आराम से बैठते भी है, सो क्यों निकालना। अभी खाने आया है, क्योंकि मैं पानी का ये लेके आया हूँ, इस वजह से ये नीचे आ गया है, ये भी आ गया देखो, मतलब ये थोड़े बहुत हमारे साथ फ्रेंडली हो रहे हैं, और मुझे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, मतलब फिश से भी ज़्यादा हमारे बर्ड्स अच्छे दिख रहे हैं। और अभी मैंने सोचा भी है कि और बर्ड्स हमारे मतलब सेटअप में ऐड करूं, इसमें तो हमारे सिर्फ बजीज रहेंगे, और मतलब फेंचिस और बाकी सारे बर्ड्स जो आते हैं वो भी ऐड करूं, इनके लिए भी केज का सेटअप पूरा मतलब मेजरमेंट होके पूरा रखा हुआ है, सिर्फ बनाने का दे दिए और बर्ड्स लेके आने, जब भी बर्ड्स लेके आऊँगा फटाफट तभी सेटअप बनाऊँगा और हमारे बर्ड्स ऐड करूँगा नया वाले, और इसके अंदर तो हमें बजेज ऐड ही करना है। इनका जो पानी का ये है ये ऐड करता हूँ, ये देखो जैसे ही रखती है लोग पानी पीने आ गए, और ये नहाते नहीं है, मेरे को पता नहीं, मैं YouTube में तो देख रहा था ये लोग नहाते भी है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड करना हो आप लोग सारे कमेंट्स करो और सजेशन दो कि आपको ये चीज़ें और ऐड कर लें इसके अंदर, सो हम ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। ये देखो मैं जैसे बोल रहा था इसको वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर जाके बैठते हैं और खेलते हैं, और ऐसा है हमारा पूरा सेटअप, यहाँ पे बर्ड्स है और यहाँ पे पूरा हमारा मिनी पॉन्ड है। सो कल रात को जाके मैंने बाजरा लेके आ गया था मार्केट से, और कल रात को फिर से वही हुआ, मैं भूल गया ब्लॉग बनाना क्योंकि पढ़ाई कर रहा था, फिर चले गया मार्केट में ये लाने, फिर भूल ही गया कि ब्लॉग बनाना है। सो ये था बाजरा, ये कुछ हमें 40 रुपीज़ का गिरा और अच्छा है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, सो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, सो देखते हैं अगला ब्लॉग कब तक अपलोड होता है। सो जो भी चैनल में नए हो जल्दी जाकर पहले सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में एक आने वाला है, एक स्टोरी लगने वाला है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सो जल्दी से जाओ और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो वो स्टोरी देखने के लिए। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, सो तब तक जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो सारे, और जल्दी जल्दी तगड़ा सपोर्ट दिखाओ, और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करो। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।